शांति प्यारे बाबा के 7 तारीख के महावाक्य हैं। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे आत्म अभिमानी होकर बैठो। बाबा कहते, मीठे बच्चे आत्म अभिमानी होकर बैठो। बाप कहते हैं, अंदर घोटते रहो, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। देही अभिमानी बनो। बाबा कहते, अपना सच्चा सच्चा चार्ट रखो तो क्या बन जाएंगे? बाबा कहते, समझदार। बाबा कहते, बहुत फायदा होगा। देही अभिमानी बनो, अपना चार्ट रखो, बहुत फायदा होगा। हे आत्मा, बाबा मुझको कहते हैं, आत्म अभिमानी बनो, अपना चार्ट रखो। अभी बाबा ने याद दिलाया, ये बेहद का नाटक अविनाशी नाटक है। बाबा कहते, ये बेहद का अविनाशी नाटक है। बाप कहते, आत्मा पाठधारी है, सब आत्मा एक्टर्स हैं, आत्मा पाठधारी है, आत्मा ही पाठ बजाती है, मैं आत्मा पाठ बजाती हूँ शरीर के द्वारा। बाबा ने याद दिलाया। बाबा कहते हैं, ये हैं बेहद की बातें, जो बेहद का बाप तुम्हें सुनाते हैं। कैसे सुनाते हैं? ब्रह्मा बाबा के तन के द्वारा बेहद का बाबा निराकार शिव बाबा मुझ आत्मा को संगम पर सुनाते हैं। बाबा कहते, मीठे बच्चे अपने को आत्मा समझकर बैठो। देही अभिमानी बनो, बेहद का बाबा अपने आत्मा बच्चों को समझा रहे हैं। बाप कहते, आत्मा समझती है, आत्मा समझती है कि बाबा सच कहते हैं, बाबा सच कहते हैं कि मैं आत्मा जो इस देह में मस्तक में विराजमान हूँ, मैं आत्मा हूँ,
मैं आत्मा अविनाशी हूँ और ये शरीर जिसको मुझ आत्मा ने धारण किया है अपना पार्ट बजाने के लिए, ये शरीर विनाशी है। अभी बाबा कहते कि तुम बच्चे अपने बाबा के द्वारा, कौन से बाबा के द्वारा, बेहद के बाप के द्वारा, देही अभिमानी समझदार बनते हो। अब बाबा कहते क्या करना है, प्यारे बाबा कहते हैं अब तुम बच्चे को पुरुषार्थ बोध करना है। क्या बनने का पुरुषार्थ करना है, देही अभिमानी, चलते फिरते उठते बैठते ये अभ्यास मुझ आत्मा को करना है, ये मुझको मेरा बाबा समझाते हैं कि तुमको अब पुरुषार्थ बहुत करना है। अभी बाबा ने स्मृति दिलाई है, क्या स्मृति दिलाई है, मीठे बाबा ने मुझ आत्मा को ये स्मृति दिलाई है कि मैं आत्मा सर्व गुण संपन्न 16 कला संपूर्ण निर्विकारी थी। कब थी, नई दुनिया सत्युग में, स्वर्ग में थी, इमर्ज करेंगे अपने सत्युगी आदि स्वरूप को, अपने को उसमें स्थित करेंगे, अनुभव करेंगे अपने इस संपूर्ण स्वरूप का, सत्युगी स्वरूप का। अभी बाप आए हैं, कहाँ आए हैं, बाप आए हैं संगम पर। कैसे आए हैं बाप, आए हैं ब्रह्मा के भागीरथ पर। क्या करने आए हैं, बाबा आए हैं समझदार बनाने। किसको बनाने आए हैं, मुझ आत्मा को। बाबा याद दिलाते हम पूज्य माना हम देही अभिमानी थे। कब थे, सत्युग में थे। तो बाबा कहते जब तुम देही अभिमानी थे ना, तो तुम बहुत बहुत समझदार थे। अब समझदार बनना है तो क्या करना पड़ेगा, पूज्य बनना है तो क्या करना पड़ेगा, देही अभिमानी बनना है, प्रैक्टिस करनी है, चलते फिरते उठते बैठते। बाबा कहते देखो ये जो लक्ष्मी नारायण है ना, ये कितने, बाबा कहते ये कितने समझदार थे। बाबा कहते देखो ये राज्य करते थे, है ना, तो बाबा कहते राज्य करते थे। तत् तवम माना तुम भी ऐसे थे, कैसे, जैसे लक्ष्मी नारायण थे, तुम भी राज्य करते थे। बाबा कहते सिवाय बाप के कोई समझा ना सके, एक बाप ही
ऊंचे ते ऊंच, समझदार ते समझदार, ज्ञान का सागर, सर्व का सदगति दाता, पतित पावन है। कौन है? एक बाप। बाबा कहता है इतना ऊंचे ते ऊंच बाप आकर के अपने मीठे बच्चों को, प्यारे बच्चों को अभी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? बाबा कहते इतना ऊंचते ऊंच बाप आके मीठे बच्चे कहकर बाबा कितना प्यार से अच्छी रीति समझाते हैं, समझदार बनाते हैं। बाबा कहते बच्चे अभी पावन बनना है। क्या बनना है? पावन बनना है। बाप है अविनाशी सर्जन। बाबा कहते बाप है अविनाशी सर्जन। बाबा से योग लगाने से तुम निरोगी सुखी बन जाएंगे। बाबा ने याद दिलाया स्वर्ग है पावन दुनिया और बाप है सर्व का सदगति दाता पतित पावन। अभी बाबा कहते मीठे बच्चे कोई युक्ति रचो, कोई तो युक्ति रचो कि जो सभी मनुष्य समझें। बाप आए हैं पूज्य सतयुगी दुनिया बनाने। बाबा कहते हैं पावन पूज्य हैं सतयुग में, जब संपूर्ण श्रेष्ठाचारी हैं। अभी तुमको ऐसा बनना है। बाबा कहते मेहनत है मुख्य बात है। याद में रहो, बाबा की याद में रहो, मन मना भव। बाबा का काम ही है, क्या काम है? पतितों को पावन बनाना। ये व्यापार किसका है? बेहद के बाप का। बाबा याद दिलाते तुम जो आत्मा हो, तुम शरीर सहित पावन थे। कब पावन थे? सतयुग में तुम फूल थे। बाबा कहते अभी तुम काम जीत जगत जीत बनो। बेहद का बाबा भागीरथ ब्रह्मा पर विराजमान होके समझाते हैं आत्माओं को। क्या समझाते हैं? कि बाप है रचयिता, नई दुनिया, सत्व प्रधान दुनिया, सतयुग का। तो बाबा कहते अभी कितनी खुशी होनी चाहिए। क्यों? बाबा कहते क्योंकि अभी बाप आया है ना। बाप अपने आत्मा बच्चों को
समझाती। वर्षा लो मुक्ति, जीवन मुक्ति का। दाता एक ही ज्ञान सागर बाप है, फिर ब्रह्मा है नंबर वन पाठधारी। अब बेहद का बाबा शिव तीसरा नेत्र खोलते हैं। बाबा क्या करते हैं? बाबा तीसरा नेत्र खोलते हैं। बाप का सृष्टि चक्र का पूरा पूरा ज्ञान बाप देते हैं ब्रह्मातन से। बाबा कहते हैं, बेहद का बाप तुम्हारी आत्माओं की आँख खोलते हैं। कितना वंडर है, कितना वंडर है। अभी सत्य बाप सत्य बताते। क्या सत्य बताते हैं? कि तुम आत्मा हो, तुम आत्मा पाठधारी हो, फिर पाठ पूरा करती हो तो एक शरीर छोड़ जा दूसरा लेती हो। अभी देही अभिमानी बनने की बाबा ने कहा मेहनत करनी है। कौन सी मेहनत करनी है? देही अभिमानी बनने की। बाप आए हैं तुमको राजाई देने। तो अब क्या करना है? मेहनत करनी है। किसको करनी है? मुझ आत्मा को ही करनी है। बाबा कहते हैं कि राम परमात्मा राम कौन तुमको सिद्ध करना है। ज्ञान का सागर पतित पावन सर्व का सदगति दाता त्रिमूर्ति परम पिता परमात्मा शिव है, तुमको सिद्ध करना है। सिद्ध करना है कि अभी त्रिमूर्ति शिव जयंती है। ये है प्रजा पिता ब्रह्मा। अभी त्रिमूर्ति बाप ब्रह्मा तन में आए हैं। क्या करने? सबकी आत्म ज्योति जगाने। तो तुमको सिद्ध करना है। बाबा कहते, त्रिमूर्ति बाप कहते हैं, बच्चे मीठे मीठे बच्चे, हे मेरे आत्मा बच्चे, अब अपने त्रिमूर्ति बाप को बहुत बहुत प्यार से याद करो। याद करो तो तुम पावन सुखी बन जाएंगे। बाबा कहते, यथार्थ रीति अपने बाप को याद करो और अपना चार्ट रखो। इसमें ही बहुत बहुत फायदा है। बाप कहते, योग बल से जीत पानी है, पावन बनना है। अभी बाबा ने जो वरदान दिया है आज, उस वरदान को हम अनुभव करेंगे। बाबा का वरदान है
बाबा ने मुझको वरदान दिया है कि आप कौन। बाबा कहते आप विघन प्रूफ, विघन प्रूफ चमकीली फरिश्ता ड्रेस धारण करने वाली। साथ साथ अनुभव करेंगे, विजन क्रिएट करेंगे, आप कौन, आप विघन प्रूफ चमकीली फरिश्ता ड्रेस धारण करने वाली, सदा विघन विनाशक आत्मा हो। अब इसको अभ्यास करेंगे और सारा दिन बीच बीच में अटेंशन दे इस अभ्यास को रिपीट करेंगे। मैं फरिश्ता लाइट का चमकीली ड्रेस वाला, मैं फरिश्ता, मैं विघन विनाशक फरिश्ता। इमर्ज करें अपने इस फरिश्ता संपूर्ण स्वरूप को, अनुभव करना है। मैं सर्व गुणों से सजा हुआ फरिश्ता, मैं विघन विनाशक फरिश्ता, लाइट की चमकीली काया धारण करे हुए। मैं आत्मा लाइट की चमकीली काया में बैठा हुआ मैं फरिश्ता, विघन विनाशक फरिश्ता। अनुभव करें कि मैं अष्ट शक्तियों से संपन्न, मैं फरिश्ता आठों शक्तियों से संपन्न हूँ। चमकीली काया में हूँ मैं, विघन विनाशक हूँ, सर्व शक्तियों में संपन्न हूँ, सर्व गुणों में संपन्न। इमर्ज करें अपने संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप को, अनुभव भी करें। कमल के सुंदर पुष्प पर विराजमान हूँ, ये कमल का सुंदर पुष्प मेरा आसन है, इस पर मैं इस समय विराजमान हूँ। निरंतर बाबा के से कनेक्टेड हूँ, फरिश्ता हूँ, श्रेष्ठ जीवन वाला, स्वयं के और सर्व के विघन विनाश करने वाला, चमकीली ड्रेस वाला मैं फरिश्ता। अनुभव करें, अपने को देखें इस काया में, फरिश्ते रूप की इस काया में अनुभव करें, स्थित हो जाएं। अभी इस अभ्यास को अटेंशन के द्वारा मुझ आत्मा को बार बार करना है। बाबा ने स्लोगन में भी कहा, अभ्यास की अटेंशन द्वारा फर्स्ट डिवीजन में नंबर लेने वाली आप आत्मा हो। अभ्यास के अटेंशन के द्वारा फर्स्ट डिवीज़न में नंबर लेने वाली मैं आत्मा हूँ। बाबा ने आज स्लोगन के द्वारा मुझको याद दिलाया। ओम शांति।